समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ॐ व्यासं वसिष्ठनर्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। एषा ते पिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणोऽशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तो भगवान कहते हैं कि अभी तक एषा ते अभिहिता सांख्ये, सांख्य का दर्शन तुमको कराया, ठीक है। इसके बाद बुद्धि योगे तो इमाम श्रुणु, यया बुद्ध्या युक्त हे पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अभी योग बुद्धि, एक तो सांख्य हो गया, सांख्य के बाद अभी योग, योग बुद्धि, योग के बारे में भी मैं समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जिस बुद्धि के साथ माने जब तुम युक्त हो जाओगे फिर क्या होगा, कर्मबंधम प्रहास्यसि, सारा कर्म का जो बंधन है उसका सारा का सारा नाश हो जाएगा। माने एक बुद्धि को अपनाने से, एक तरह का बुद्धि, एक तरह है सांख्य सिद्धांत। तो सांख्य का सिद्धांत माने क्या है, सांख्य का योग, सांख्य योग के बारे में तुमको बता दिया 38 तक, 38 श्लोक तक। तो भगवान कहते हैं अभी आगे कहने वाली बात है कि योग के बारे में देखिए, पहला ये अंडरलाइन करनी चाहिए कि क्या है, जिस बुद्धि, योग बुद्धि के साथ जब तुम युक्त हो जाओगे, माने युक्त होने से, माने योग बुद्धि को अपनाने से, इसका परिणाम फल क्या है, कर्मबंधम प्रहास्यसि, सारा कर्म का जो बंधन है वो टूट जाता है।
अच्छा ये है, माने योग, योग माने कर्मयोग। अभी योग में कर्मयोग के बारे में बताएंगे और इसका लक्षण क्या है। जिस योग बुद्धि, योग के बारे में भगवान कहते हैं, माने योग क्या है उसको बतलाने से पहले ही, बताने से पहले भगवान कहते हैं इस योग के, योग के बारे में। जैसे कि एक इंट्रोडक्शन के रूप में मान लो, परिचय करा रहे हैं योग का, परिचय, योग बुद्धि कर्म योग का परिचय करा रहे हैं। इसमें क्या है, न अभिक्रम नाशः अस्ति, माने आरंभ का नाश कभी नहीं होता इस योग में। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ आरंभ किया इस योग, जिस योग बुद्धि, जिस बुद्धि को अपनाकर हम इस योग का आरंभ करते हैं, कर्म का, कर्म योग करते हैं, उसका कभी निरुपयोगी नहीं होगी, माने हमेशा के लिए सदुपयोगी रहेगी, माने इसका फल मिलेगा ही मिलेगा, माने फल का नाश कभी नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, इस योग बुद्धि को अपनाए बिना, बिना अपनाए जो भी आप कर्म करोगे उस कर्म का आरंभ का नाश होने का संभावना है। समझ में आ रहे हैं आपको, बड़े टुकड़ा 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 करके मैं समझा रहा हूं आपको। एक तरह का कर्म है माने अपनी जो बुद्धि अभी है, सामान्य बुद्धि, लोक में जो प्रचलित है बुद्धि, उस बुद्धि को हम लगा देते हैं, माने कर्म करो फल मांगने से, फल की इच्छा करो, आकांक्षा माने फल की अपेक्षा रखते हुए कर्म करो और ये करो वो करो, इस तरह के बुद्धि को अपनाने से आरंभ का नाश हो जाता है कई बार। मगर योग बुद्धि के द्वारा माने कर्म योग, तो कर्म कर्म नहीं है, वो कर्म को योग बना दिया, माने योग बुद्धि को जोड़ देने के बाद, जोड़ देने से उसका आरंभ का नाश कभी नहीं होता। एक बात हो गई। दूसरी बात है प्रत्यवायो न विद्यते, माने नेगेटिव इफेक्ट जो बोलते हैं। प्रत्यवाय का मतलब तैतृय उपनिषद में बड़े विस्तार से भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं प्रत्यवाय का मतलब क्या है। अब बस इतने कहने, अप्रत्यवाय माने यानी ऑपोजिट रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट जो कहते हैं। आरंभ का नाश भी नहीं होता और प्रत्यवाय नाश भी नहीं है, प्रत्यवाय दोष भी नहीं है। देखिए प्रत्यवायो न विद्यते। और तीसरा क्या है इसका, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस योग को बस देखिए, कर्म योग, योग बुद्धि के द्वारा कोई भी कर्म योग बुद्धि को अपनाकर माने कर्म योग के रूप में, कर्म योग का अनुष्ठान, कर्म योग का अभ्यास, कर्म योग को लाते हुए इतना छोटा सा भी कर्म करो आप, धर्म अपनाओ, उस धर्म से आप महतो भयात त्रायते, बड़ा भय से भविष्य में उस भय से आपको बचाते हैं। चलो आपको एक उदाहरण के द्वारा, मैंने पता नहीं बताया कि नहीं उदाहरण बताया होगा, माने देखिए हम सुबह से लेकर के रात तक सोने तक अनेक प्रकार के कर्म हम करते रहते हैं, न जाने कितने कर्मों में हम योग बुद्धि को लाकर करते हैं या बिना योग बुद्धि से ही कर्म योग बुद्धि के अलावा सिर्फ लौकिक बुद्धि के द्वारा कर्म हम करते हैं, पता है पता नहीं हमको। मगर देखिए कि ऐसा है कि आप एक एक कर्म, सपोज 100 कर्म आप किए हैं एक दिन में, सपोज यूं समझो इस 100 कर्म में आप कम से कम एक कर्म में योग बुद्धि, कर्म योग बुद्धि माने कर्म नियवाधिकारस्ते मा परेषु कदाचन, इसका जो पल है ईश्वरार्पण बुद्धिया, हमने एक कर्म किया, बाकी 99 कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए किए समझो। माने एक कर्म करते समय आपको ये सूत्र याद आ गया, कर्म नियवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, भगवान को याद किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान को ही समर्पित कर दिया, उसका उस कर्म का फल जो है भगवान को समर्पण किया एक कर्म, बाकी 99 कर्म ऐसा नहीं किया, स्वार्थ बुद्धि से किया समझो। अब एक कर्म आप जो किया, एक ही कर्म उस दिन किया माने निस्वार्थ सहित, माने स्वार्थ रहित कर्म किया आप,
भगवान को समर्पण कर दिया फल जो भी है, तो इसको उस कर्म से स्वल्पमपि धर्मस्य, छोटा सा कर्म आपने किया उसको आप उस कर्म आपको बड़ा भयंकर नुकसान से, भयंकर भविष्य से बचाएगा। कैसा? क्योंकि एक एक कर्म समझो प्रतिफलापेक्ष पूर्वक किया कर्म जो भी है, एक बीज के रूप में आप कल्पना करो, एक बीज के द्वारा बोतने से, एक बीज बोता तो उसमें से क्या निकलेगा, बड़ा पेड़, और एक पेड़ में कितने फल और एक एक फल में कितने बीज और फिर एक एक बीज एक एक कर्म वृक्ष का। देखिए तो हम सोचते हैं छोटा सा कर्म है हम भगवान को समर्पण करके किया तो भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, जितना भी करोगे तो महतो भयात त्रायते। देखिए एक कर्म करने से, फलापेक्ष पूर्वक कर्म, एक कर्म करने से, अनुष्ठान करने से, न जाने हमको उस बीज से कितने पेड़ निकलेंगे भविष्य में, फिर कितने बीज, बीज के द्वारा फिर कितने पेड़, उसको काटना असंभव, आसान नहीं है। तो इस कर्म योग के तीन सिद्धांत, तीन फल, तीन लाभ भगवान बताते हैं। क्या है? पहला क्या है? अभिक्रम नाश नास्ति, माने आरंभ का नाश कभी नहीं होता। कोई भी कर्म योग बुद्धि के द्वारा करे, योग बुद्धि से करे तो आरंभ का नाश, कर्म योग करने से आरंभ का नाश नहीं होता, और उल्टा फल प्रत्यवाय दोष वो भी नहीं है। तीसरा क्या है? छोटा कर्म भी करो, उस धर्म को अपनाओ तो इतना से मात्र, बहुत लेश मात्र से भी आपको बड़ा भयंकर भय से आपको मुक्त कर देती है। क्या है? एक कर्म। तो तीन बात बता दिया। और भगवान कहते हैं इस योग के बारे में, इसमें क्या है, सांख्य बुद्धि जैसे बता दिया उसी तरह योग में इसका लक्षण क्या है, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदना। इसके इस बुद्धि, कर्मयोग बुद्धि क्या है, एक ही निर्णय पर पहुंच जाता है, बुद्धि एक ही निर्णय पर पहुंचना माने निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि है। इसकी बुद्धि क्या है? निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि, माने एक निश्चय पर पहुंच गया, फिर डोलायमान होना, फिर बार बार संकल्प बदलना, बार बार विचार बदलना, आगे पीछे जाते रहना, फिर कभी ये कभी वो मांगते रहना, इस तरह के अन्योन्य विरोध रूपी कामनाएं भी हम करते रहते हैं। देखिए हमको स्वास्थ्य भी चाहिए फिर लड्डू का त्याग भी नहीं कर सकते, डायबिटीज भी नहीं चाहिए लड्डू का त्याग भी नहीं कर सकते, ये तो अन्योन्य, लड्डू भी खाना चाहते हैं डायबिटीज भी नहीं चाहिए हमको, मधुमेह है जो व्याधि है वो व्याधि नहीं चाहिए, तो इसके अनुरूप व्यवहार करो हम नहीं करना चाहते हैं। खूब खाना खाना चाहते हैं और बीमार नहीं पड़ना चाहते। देखिए एकाग्र भाव से भगवान को, भगवान से प्रार्थना हम नहीं करते हैं फिर फल मांगते हैं, ये है परस्पर विरुद्ध रूप, माने विरोध रूपी अनेक प्रकार के कामनाएं हम करते रहते हैं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इसीलिए जहां पर आपको चॉइस दिया गया, एक दो तीन चार पांच विषय में दे दिया, तो आपको एक निश्चय रूप होकर हमें यही चाहिए ऐसा निश्चय पर पहुंचना एक कठिन है। हम कहते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मगर कर्मयोग के एक बुद्धि का लक्षण क्या है, एकेह कुरुनंदना व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक ही बुद्धि वहां पर है, एक ही निश्चय पर पहुंच गया। बहुशाखा ही अनंताश्च अव्यवसायिना, जो अव्यवसायी है उनका मन क्या है, बुद्धि क्या है, अनेक प्रकार के बुद्धि, बहुशाखा, तो शाखोपशाखा, नित्य प्रततो विस्तीर्ण भवति प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात च उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु संसार अपि उपरमते। भगवान कहते हैं ये तो दुब दुब क्या है, यासाम शाखा भेद प्रचार वशात अनंत अपारः अनुपरतो संसारः,
इस संसार, इस बुद्धि का पर्यवसान क्या है? संसार, बढ़ते रहते हैं संसार। देखिए निच प्रतो विस्तीर्ण, क्षण क्षण बढ़ते रहे, बढ़ता रहेगा ये संसार। हमारा जो संसार है कल्पना करके हमारे विस्तीर्ण होते जाते हैं, हमारे लिए क्षण क्षण इसका विस्तीर्ण होते रहा। देखिए तो इसीलिए भगवान कहते हैं तो बहुशाखा अव्यवसाय नाम, जो अव्यवसाय है इसके बुद्धि जो है बिगड़ गया। तो इसीलिए जीवन में एक निश्चय पर पहुंचना, आप मैं आपको मैं ये तो यही प्रश्न हम सबको, मैं तो बार बार ये सवाल उठाते रहता हूं सबके सामने कि देखिए हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और किस मूल्य के आधार पर हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमारा जीवन, आपका जीवन का सिद्धांत क्या है, अपने लिए अपना सिद्धांत क्या है, अपना मूल्य क्या है, अपना विचार क्या है, आप आखिर में आप इस जीवन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको जीवन जी रहे, जी तो रहे अब क्या चाहिए आपको, जरा सोचो क्या चाहिए आपको। यूं मत बोलना कि ये हमारा अपना हमारा पड़ोसन ये किया तो हमने इसे किया, सारी दुनिया भाग रहे हम भी भाग रहे हैं। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता ठीक से। आखिर में आपको अपने ही जीवन से क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं आप जीवन, बताओ आपको क्या चाहिए बताओ। ये वेग आंसर मत देना कि मुझे मोक्ष चाहिए, अब चाहते क्या है। अच्छा आपका इस पृथ्वी पर रहना कितना आवश्यक है, तो आवश्यक है बोलेंगे तो किसको आवश्यक है बताओ। क्या आपका इस पृथ्वी पर रहना जरूरी है क्या? फिर किस लिए जी रहे हैं? ये एक निश्चय पर पहुंचना, ये है योग बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि। अरे भाई आप हम सब बिगड़ते गए, बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ गया बहुत, क्योंकि अभी तक हमारा जीवन में हमको ये पता नहीं लग रहा कि हमको अल्टीमेटली हमें हमारे जीवन से हमको क्या चाहिए। जब तक एक निर्णय पर नहीं पहुंचता तब तक आपका अपना जो बुद्धि है, अपनी बुद्धि और मन भटकता रहेगा। निश्चय पर पहुंचना बुद्धि में, मन तो बेकार है, मन आज सुबह कुछ और कुछ मांगेगा, दोपहर को और कुछ मांगेगा, पर बुद्धि में एक निश्चय कर लो कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। एक निश्चय पर पहुंच जाने से फिर हम कर्मयोगी बनेंगे। जब तक हम निश्चय पर पहुंचते नहीं तब तक साधना का आरंभ भी नहीं हुआ समझो। साधना माने ध्यान योग, समाधि योग, वो नहीं है, पहले कर्मयोग तो करना चाहिए। कर्मयोग भी नहीं हुआ क्योंकि कर्मयोग का एक लक्षण क्या है, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, एक ही है कुरुनंदन। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो प्रयोजन चाहिए, जीवन का प्रयोजन, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, आप यूं मत समझना कि आसान है जवाब देना। एक मास्टर ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। किताब का नाम ही यही है कि व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, विथ योर वाइफ नहीं, लाइफ।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं बहुशाखा, तो येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि नास्ति ते, और जिनके जिनका जिनका मन जो है बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं है, माने निश्चयात्मिका बुद्धि जिसके पास नहीं है, जो जीवन में किसी भी कोई भी निश्चय पर नहीं पहुंचा, उसका मन कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, अब बताते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति, बड़े बड़े बातें करते रहते हैं। देखिए के अविपश्चितः, माने कौन है वो, अल्पमेधसः, मेधा शक्ति जही है, अविवेकिनः, अविवेकी लोग इत्यर्थः। वे क्या कहते हैं, देखिए, ये वक्षमा याम इमाम वक्षमाणाम पुष्पिताम पुष्पित वृक्ष इव शोभमानाम सूर्यमान रमणीयाम वाचम वक्षल वाक्य लक्षणाम प्रवदन्ति। ऐसे बात करते रहते कि आज के आपके जीवन में आपके सामने जीवन का मतलब क्या है, ये बड़ा रमणीय है, शोभायमान है, जिंदगी बड़ा आनंददायक है, ये है वो है, आपके चमकते चमकते चमकाते चमकाते हुए कुछ कुछ चीज़ बता देते हैं आपको आंखों के सामने कि ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, बड़ा आ जाएगा, फिर बाद में सुखी ही सुखी, कुछ भी नहीं है। हम जब तक अभी तक हमारे जीवन में जो जो हम कदम उठाया, उस कदम उठाने से पहले कुछ लोग हमको समझाया कि इस एक कदम उठाओ तो फिर आगे भविष्य तेरा उज्जवल भविष्य होगा। कुछ लोग थे ऐसा करके हर कदम में हमको फंसाने वाला, बहुत लोग मिलते रहते सड़क पर, तो फंसा दिया, तो घर बनाओगे, ऐसा बना दो, कोई बात नहीं, बैंक लोन ले लो, बाकी बाद में देखा जाएगा, बड़ा रहेगा, या बालकनी में बैठोगे ना समुद्र दिखाएगा, समुद्र तेरे को, और इतने शोभायमान रमणीय बड़े सुंदर दृश्य दिखाएगा, दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं आप, बड़ा आनंददायक है, हवा तेज चलती है, या पे आनंदी बनाओ, फिर बाद में पता लगेगा। ये कर्म करो, वो कर्म करो, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये गाड़ी ले लो, ये एकदम बढ़िया रहेगा, ये घर चुन लो, बढ़िया है, ये कपड़ा पहन लो, एकदम बढ़िया। किसी भी दुकान में जाओ, हर सेल्समैन यही बोलेगा आपसे कि आपके ये कंठाभरण ले लो, आभरण ले लो, आप पहने से इस आभरण को शोभा मिलेगी। तो फिर पूछ रहे हैं आभरण मेरे लिए पहन रहा हूं, वो आभरण के लिए मैं पहनता हूं। पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, आपके जीवन के बारे में आपके जीवन के सामने ऐसा दृश्य लगा देते हैं कि आप सोचने लग जाते हैं कि ये जीवन का मतलब यही है। ये तेल पहने संभालो, खूबसूरत बाल बढ़ेगी, दृश्य करते कि नहीं, व्यापार प्रकटन, व्यापार जो, इसीलिए अविपश्चित माने अविवेकी लोग भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही बात करते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो। ब्यूटिफुल थिंग, बहुवर्थवाद फल साधन प्रकाशकेशु वेद वाक्येशु रताः, और इनके वेद वाक्य जितने जो जो वाक्य है, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, और ये एक एक फल को आपके सामने रख देते हैं, और रखकर आपको उत्साह बढ़ा देते हैं, आपका उत्साह, आप उत्साह बढ़ाने से आप वो कर्म करेंगे तो उस फंस जाओगे। ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, ये करो, वो करो, तो भगवान कहते हैं तेज, अब यहां तक हम आए थे, है ना। तो कर्म योग क्या है, अभी तक योग का लक्षण कितने पॉइंट बताया भगवान कहते हैं, देखिए, जिस बुद्धि से युक्त होने से तुम कर्म बंध से मुक्ति पाओगे, नंबर वन। इस योग का क्या है, अभिक्रम नाशः,
नास्ति, माने आरंभ का नाश नहीं है और इसका प्रत्यवाय भी नहीं है, और थोड़ा सा करने से भी तुमको बड़ा भयंकर संसार से तुमको छुटकारा मिलेगी। और इसमें क्या है, बुद्धि का लक्षण क्या है, एक बुद्धि, निश्चय बुद्धि है, ये तो बहुशाखा नहीं है। जैसे कि बाकी लोग अविवेकी लोग जो है वो वेदवाद रता है, वेद में अनेक प्रकार के वाक्य है और कर्म के साथ अनुसंधान करते हुए जो जितने भी वाक्य है उसी वाक्यों के ऊपर जोर लगाते हुए उस वाक्य का अर्थ आपको समझाते हुए आपको कर्म में फंसा देते हैं, क्योंकि उस कर्म के द्वारा जो फल मिलने वाले हैं उस फल को आपके सामने आंखों के सामने लटकाकर रखकर नहीं, लटकाकर, मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ, लटकाते हैं आपके सामने उस पल को लटकाकर और आपको उत्साह, आपका अपना उत्साह बढ़ाकर गलत रास्ता में ले जाने वाले बहुत लोग हैं। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए बताओ, ये दुकानदारी में को बात नहीं मत मानना, आपको क्या चाहिए, दुकान में जाके उनके बाद मानते हैं और खरीदने गए मैच बॉक्स, उसके अलावा सब कुछ लेके आए, क्यों लेके आए, उसने बताया ये नया मॉडल है, ये नई चीज है, ये है वो है, तो इनका स्वभाव क्या है, भगवान कहते हैं रिपीट आफ्टर मी, कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्। और देखिए कोई आपके अंतःकरण में आग डालते जा रहे, घी डालते जा रहे है, और आपके अंतःकरण के अंदर जो है आग, उसका आग का जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं आग, द फ्लेम्स, देखिए कामात्मा रहा, ये लोग का उनका स्वभाव क्या है, द फल चाहने वाले जितने भी है उनका स्वभाव क्या है, कामात्मान हमारे काम स्वभाव, देखिए काम स्वभाव माने भोगना ही उनके जीवन में उनका जीवन का लक्ष्य है, स्वभाव बन गया, देखिए हमारा स्वभाव माने हर क्षण भोगना ही भोग, इतना भी कष्ट उठाना नहीं चाहते हम, देखिए मैं बताता हूं आपको, कामात्मा न माने पंखा एक क्षण के लिए बंद हो गया हो कितने कमेंट हम मारते रहते हैं, माने हमारा भोग निरंतर होना चाहिए, निरंतर भोग, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, यह हमारा स्वभाव है। सुबह उठा बाथरूम में गया गीजर काम करनी चाहिए, लाइट ऑन किया तो लाइट चलनी चाहिए, एसी ऑन किया तो एसी चलनी चाहिए, तो हमारा स्वभाव बन गया, ये क्या बन गया, निरंतर भोग, किसी भी प्रकार का कष्ट कभी भी हम जीवन में नहीं उठाना चाहते, शायद जितना छोटा सा भी कष्ट हो हम नहीं उठाना चाहते हैं। होटल गया निरंतर सप्लाई होनी चाहिए, निरंतर क्या खाने के चीज जो आप ऑर्डर दिए हैं वो लगातार वो बेचारा वाकिस देते रहना आपको, 5-10 मिनट लेट हो गया तो उसको डांटते हैं, तो ये हमारा काम स्वभाव आहा, माने हमारा स्वभाव ही बन गया एक काम, काम माने भोग स्वभाव,
काम स्वभाव माने काम पराहा इत्यर्थ माने भोग परायण। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, भोग परायण होकर जियो, भोग परायण। अरे हमारा देखिए बुद्धि में जितने विचार हम उठाते रहते हैं, अनेक प्रकार के थॉट्स का उदय, विचार का उदय होते रहते हैं ना, हर एक एक विचार का भोग परायण ही है। हम कैसे खाना खाए, कैसे किस तरह कपड़ा पे काम पहने, और ये कैसा हो जाए, वो कैसा हो जाए, हमने एक महात्मा जी के साथ बैठा था कुछ एक दो महीने पहले ही, तो मैं बैठा बस ऐसे बस कुछ, वो महात्मा बता रहे थे कि मैं सुन रहा था, मैं कोई बीच बीच में कुछ लोग आ रहे हैं नमस्कार करके चले जा रहे हैं, तो एक नारी आई थी गोद में एक बच्चा और बगल में छोटी सी बच्ची जो लड़की, वो साथ हाथ पकड़ कर आ गए, तो नमस्कार किया, तो अपने महात्मा जी ने पूछा प्यार से, सब ठीक है, सब ठीक है, चलो विभूति लो, भस्म लो, प्रसाद लो, तो पूछने लगे कि इसका भविष्य कैसा है, पिताजी सभी ठीक नहीं, पिताजी का आप उन वो देख लेना, तो महात्मा जी फिर गुस्सा में आ गया, तो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, शिवो रक्षतो, जाओ बोले, तो भगवान आशीर्वाद रहे, जाओ, तो मानती नहीं। अब पूछने लगे कि बच्चा का भविष्य कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा, पिताजी का, बोले आप चले जाओ, सब ठीक है, चले जाओ बोले। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, बुजुर्ग पिताजी मरना ही मरना है एक दिन, अब उसका उद्धार करो, इसका उद्धार करो, जीवन में बिना कोई मरे रहे पागल है, मरना है तो मरना ही है, एक दिन मरना है, छोड़ के जाओ शरीर, ये सब ठीक है, चले जाओ बोलो, और डिटेल्स मत पूछना। तो हम बन गए, हमारा स्वभाव बन गया क्या है, काम स्वभाव माने भोग स्वभाव बन गया, और काम पराहा जीवन का लक्ष्य क्या है, निरंतर भोग और भोग परायण बन गए हम, भोगात्मा भोग परायण, भोग तृप्त, भोग में हमारी तृप्ति, कामात्मानः। और भगवान कहते हैं स्वर्गपराः, स्वर्गः परः पुरुषार्थो एषां ते स्वर्गपराः। देखिए स्वर्ग के लिए ही पुरुषार्थ करना ही उत्कृष्ट पुरुषार्थ है उनके लिए, जिनके लिए स्वर्ग के लिए प्रयास करना, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना, तो पुरुषार्थ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता, उस पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, उत्कृष्ट पुरुषार्थ है, इससे ज्यादा और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ माने मेहनत, प्रयास करना, साधना करना, हमारे साथ बस स्वर्ग जाना ही है, जाना है स्वर्ग के, जो जितने प्रयास करना चाहिए, जितना प्रयास होना चाहिए, बस वही प्रयास उत्कृष्ट पुरुषार्थ बन गया। किसी को जीवन में बड़ा पैसा कमाना ही उत्कृष्ट पुरुषार्थ, कीर्ति कमाना ही उत्कृष्ट पुरुषार्थ, तो देखिए स्वर्ग परः पुरुषार्थो येषां ते स्वर्ग परः माने स्वर्ग प्रधाना माने स्वर्ग ही उनके लिए प्रधान है, मोक्ष नहीं है, निस्वार्थ सेवा नहीं है, कुछ कर्म करो और पुण्य प्राप्त करो, पुण्य कमाई करो, पुण्य की कमाई के द्वारा फिर स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग ही उत्कृष्ट स्थान है, उसके लिए जो भी प्रयास किया जा सकता वही पुरुषार्थ है, बाकी सब बेकार है। और इतने परिवार है जीवन में, दुनिया में इतने लोग पड़े हैं कि उनके लिए पुरुषार्थ या प्रयास का मतलब क्या है, स्वसुख और पारिवारिक सुख, बस इतना ही। हमारे परिवार में परिवार के लोग सुखी रहे, हम सुखी रहे, बस हमारा परिभाषा क्या है, परिभाषा हमारी यही है।
और मंदिर में जाओगे कभी भी ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे कि भगवान विश्व शांति दो, सबके भलाई करो, कभी भी नहीं। जाके मांगो कि अपने लिए मांगो और आ जाओ। क्योंकि मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, मुख्य मैं ही हूं, मेरे परिवार, मी और माई फैमिली, मैं और मेरे परिवार, बस। तो प्रधान बन गया और इनके लिए क्या है, स्वर्ग प्रधान। देखिए स्वर्ग ही प्रधान बन गया। भगवान कहते हैं जन्म कर्म फल प्रदान, माने कर्मणः फलम कर्म फलम। कर्म फल माने क्या है, कर्म का फल कर्म फल है। और जन्म एव कर्म फलम, जिसका फल क्या है, जिस कर्म का फल क्या है, जन्म। जन्म ही कर्म फल बन गया। किसके लिए, इनके लिए, इन लोगों के लिए। उनका मतलब क्या है कि ऐसा कर्म करो ताकि अगला जन्म अच्छा जन्म आपको मिलेगा। तो खूब कर्म करो, दान दक्षिणा दो। किस लिए कर रहे हो भाई, ताकि हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से फिर बाद में जब लौटते हैं हमको अच्छा जन्म होनी चाहिए, अच्छी तरह से जन्म लेना चाहिए हमको, परिवार अच्छा परिवार में हम जन्म लेना चाहते हैं, इसके लिए पर करो। माने उसका हमारा लक्ष्य क्या है, स्वर्ग फिर वापस आकर कर्मफल के रूप में एक जन्म स्वीकार करो, जन्म की स्वीकृति। किस तरह का जन्म, अच्छा जन्म, स्वास्थ्य से जियो ताकि और भोग भोग सके। माने जन्म ही कर्मफल। देखिए भगवान कहते हैं जन्म एव कर्मफलम जन्म कर्मफलम। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म एव कर्मफलम, जन्म ही कर्मफल है उनके लिए। तत् प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदान, माने जो कर्म करने से हमको इस तरह का फल मिलेगा, कौन सा फल, जन्म ही कर्मफल के रूप में मिलता है अच्छा जन्म। तो उसी में रहो, उसी के लिए ही जियो। किसके लिए जी रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग जाना है, फिर लौटने के बाद अच्छा शरीर अच्छा जन्म, बस यही है हमारा लक्ष्य, यही प्रधान बन गया जीवन का, ये जीवन का उद्देश्य बन गया, पुरुषार्थ, उत्कृष्ट पुरुषार्थ बन गया। इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं, बस मैं और मेरा सुख। जन्म एव कर्मफलम जन्म कर्मफलम तत् प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदान ताम वाचम प्रवदन्ति इति अनुसृज्यते। इस तरह का बातें बात करते रहते, ताम वाचम प्रवदन्ति, ताम वाचम प्रवदन्ति माने इसी को ऐसे देने वाले, मैंने ये जन्म देने वाली जो बात है वही बात करते रहते, बार बार करते रहते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी उपदेश देते रहते हैं। इसी तरह का उपदेश, बेटा तुम ये यज्ञ करो, उस करो, पुण्य कमाई करो, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, फिर अगला जन्म ठीक ठाक होना चाहिए, इसीलिए तुम ये करो, उस करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसी तरह का सबको उपदेश देते रहते हैं और खुद करते रहते हैं। मुंह खोले यही पुरुषार्थ की बात निकलती है। पुरुषार्थ के मतलब स्वर्ग पराहा। हम भी ऐसे बात करते हैं ना बच्चों से, आज जब बड़े होकर इतने बड़े लोग हैं, आप 100 में से 200 का बातें, 100 में 200, हर एक 100 बात बात करते हैं, माने 200 आउट ऑफ एवरी 100, माने समझ में आ गया बात। अब क्या है, क्या बात करते बच्चों से, बस नौकरी करो, पैसा कमाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छा बैंक बैलेंस खोलो, अच्छे शादी कर लो, अच्छे अच्छे बच्चों को जन्म ले दे दो, अच्छे अच्छे व्यवहार करो, अच्छे मरो। इससे ज्यादा आप क्या बात करते बच्चों से, यह साधना करो, तप करो, जप करो, देश की सेवा करो, ये ज्ञान प्राप्त कर लो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ बांटो। इस तरह के बातें करते होंगे इधर उधर, पता नहीं। फिर हम कौन है, इसी तरह के लोग हैं, बेटा घर बना लो, बेटा ऐसा बनाओ, बेटा ये कारपेट ले लो, बेटा ये कुर्सी ले लो, बकवास बात है सब। हमारे बचपन में
हमारे एक शहर से दूसरा शहर चला गया, जब मैं बच्चा था, बहुत छोटा था मैं, तो फिर वहाँ पर तो वहाँ गए, तो फिर जब नया घर लिया तो फिर हम कुछ बैठने का कुर्सी चाहिए, तो हमारे ताऊ जी बड़े बड़े वेदांती लोग हैं, महात्मा लोग हैं सब लोग, वो तो गुरुदेव का प्रवचन सुनकर घर लौटा, फिर हार्ट अटैक आया, बोलते गए कि मैं जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ करके छोड़ के चला गया। बैठे बैठे बाहर आ गया, मम्मी को उनसे क्योंकि मैं बड़े बूढ़ी मम्मी हमारे दादी, तो बोले कि मैं जा रहा हूँ अभी कुछ कोशिश मत करना है, डॉक्टर को बुलाने का, मैं जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है करके छोड़ के, वैसे छोड़ गई, गुरुदेव का प्रवचन सुना, आँखें खाना खाया, फिर चला गया छोड़ कर। ऐसे ऐसे लोग थे लोग, तो उन्होंने बताया कि जो घर पर हमारे घर पर पहुँचते हैं, ये जरूरी नहीं कि कुर्सी पर बिठाना है, चटाई बिछाओ और बिठाओ, दूसरों को बिठाने के लिए अपना घर पे सोफा सेट लेना ये गलत सिद्धांत है। ऐसे ऐसे महात्मा लोग निकले थे, बोला यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भाड़े पे लेना और उधार लेना, ये करना वो करना, ये क्यों करना चाहिए, हमारे घर पर चटाई है भाई, बैठ जाओ, तुमको बिठाने के लिए कुर्सी क्यों। माने जीवन में कैसे क्या लोग, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, बस इसी यही सोचन हमारे जीवन में। वन वाइफ टोल्ड हस्बैंड, डार्लिंग आई वॉन्ट परचेज दिस सैरी सो दैट व्हेन आई गो आउट इट बी वेरी गुड। हस्बैंड सेड आई डोंट वॉन्ट यू टू गो आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, बी हियर ओनली, सो नो सैरी इज नॉट रिक्वायर्ड, यू सेड बी एट होम ओनली, only if you have to go out then you have to wear the saree, no I want you to stay at home only. baat khatam, because bahar jana mujhe chahiye nahi, bahar jana hai isliye pehna hai to taaki sab log dekhte hain, the purpose is defeated. dekhiye bhagwan ne jitna janma karma phala pradatam vacham कर्म फल प्रदा ताम वाचम प्रवदंती इति अनुशुज्यते, बस प्रवदंती इति अनुशुज्यते, बस ऐसे जोड़ना चाहिए, समझना चाहिए कि ये तो ऐसे लोग, इस तरह के लोग बात करते रहते हैं, माने जिनके लिए जन्म ही कर्म फल बन गया। ओहो क्रिया विशेष बहुलाम, माने क्रियाणाम विशेषाह क्रिया विशेषाह, अनविशिष्ट रूप अनेक प्रकार के कर्म, विशेष कर्म करते रहते हैं, विशेष कर्म ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं शास्त्र में कि ये कौन सा कर्म करने से हमको ऐसा कुछ अद्भुत कर्म बताओ, अद्भुत विशेष कर्म का अनुष्ठान बताइए, ओ गुरु जी बताइए ऐसा कर्म बताइए जिस कर्म को इससे पूर्व कभी किसी ने नहीं किया हो। क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं, सोच सोच कर ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, नए नए तरीका को अपनाते हुए। क्रिया विशेषाः ते बहुलाः यस्याम वाची ताम स्वर्ग पशुपुत्रादि अर्थाः यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते, जिसकी जब वो लोग जब मुंह खोलते हैं बस यही बात निकलते हैं कि इस कर्म के द्वारा माने बहु माने स्वर्ग पशुपुत्रादि अर्था यथा वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते, हर बात में यही है, बस ये करोगे तुमको ये पशु मिलेगी, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको ये पैसा मिलेगा, तुम ये स्वर्ग करेगा, ये स्वर्ग में जाओगे, तुमको ये फल मिलेगा, तुमको ये फल मिलेगा, बात बात हर कदम जब मुंह खोलते यही बात निकलते रहते उनके द्वारा। ऐसे लोग दुनिया में है कि नहीं, हर जगह ऐसे ही है, मुंह खोले बस यही बात, ऐश्वर्य की बात कहो, भोग की बात करो। विकार आप मानते नहीं, मगर विकार ही फैशन के रूप में परिवर्तित हो गया। विकार, अनेक प्रकार के विकार का अभ्युदय, विकार का अभ्युदय माने विकार ज्यादा हो गए और उसको उसी को हम अभ्युदय के रूप में स्वीकार करते हैं।
अलग अलग प्रकार के फैशन, अलग अलग प्रकार के खाना, अलग अलग प्रकार के गार्निशिंग, अलग अलग प्रकार के सोच, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग 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 प्रकार के भोग, नए नए भोग बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। और इसी को हम बेवकूफ जनता आजकल लोग मानने लगे, उसी को क्रिएटिविटी के रूप में स्वीकार किया, उसी को हम क्रिएटिविटी के रूप में बोल देते, बहुत बड़ा क्रिएटिव है। क्या क्रिएटिव है? अनेक प्रकार के विकार है। तो बाहुल्येन प्रकाशयन्ते यथा वाचा बाहुल्येन, मुंह खोला बस अनेक प्रकार का बहुल रूप में, अनेक प्रकार के रूप में प्रकाशयन्ते, बात निकलते रहते हैं। भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगश्च ऐश्वर्यंच भोगैश्वर्यम तयोः गति ही प्राप्ति ही भोगैश्वर्य गति ही ताम प्रति साधन भूता ये क्रिया विशेषाः तद बहुलाम ताम वाचम प्रवदन्तो मूढ़ाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। माने भोग ऐश्वर्य प्रति, भोगश्च ऐश्वर्यंच भोगैश्वर्यम, भोग और ऐश्वर्य, बस ऐश्वर्य के बिना भोग नहीं मिलेगा। अब जब भोग कर किया, अलग अलग प्रकार के भोग हमारे सामने हैं, उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए तो ऐश्वर्य के प्राप्ति करो, ऐश्वर्य ऐश्वर्य पैसा कमाओ फिर भोग लो, फिर धन कमाओ फिर भोगो, ये चक्कर में पड़ गए। भोगते भोगते समय अनेक प्रकार के भोग सामने दिखाई दिया, उसकी प्राप्ति के लिए फिर पैसा कमाओ फिर उसको भोगो, उन चीज़ों को भोगते समय और अनेक प्रकार के चीज़ भोग वस्तु भोग्य वस्तु जो भी है दिखाई दिया तो उसके भोग के लिए फिर पैसा कमाओ, होता है कि नहीं? आप मार्केट में जाओगे, कुछ कुछ चीज देख के आओगे, फिर उसको उसकी प्राप्ति के लिए फिर पैसा सेव करो। किस लिए? भाई मैंने वो चीज देखा उस दिन देखी थी तो इसलिए बहुत बड़ी अच्छी चीज है, तो उसकी प्राप्ति के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए ज्यादा दूर ओवर टाइम करके पैसा कमा के फिर बनाओ। माने भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के बिना भोग नहीं है, भोगते समय नए नए भोग दिखाई देता फिर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करो। इस चक्कर में हम सब फंस गए। भोगैश्वर्य ही तयो हो गति ही प्राप्ति ही भोगैश्वर्य गति ही, जो माने जिसके जीवन में भोग और ऐश्वर्य ही गति बन गया, बस ताम प्रति साधन भूता ये क्रिय विशेषा, ऐसे भोग और ऐश्वर्य के ऐश्वर्य को भोगने के लिए उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन बन गया, क्या साधन है? अनेक प्रकार के कर्म क्रिया विशेषा, वो साधन बन के साधन भूता, उनके साधन भूत जो क्रिया विशेष माने निमित्त, उनके निमित्त क्या है? क्रिया विशेष अनेक प्रकार के कर्म तद बहुलाम ताम वाचम प्रवदंतो, और इसी को बड़ा छेड़कर बोलते रहते हैं। कौन है? मूढ़ा। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं जिनके लिए इस तरह के बातें इस तरह के भोग ही उत्कृष्ट है, इससे ज्यादा और कुछ आई ही नहीं इनके सामने, ये लोग है मूढ़ा संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं इस संसार में बार बार फिर आना जाना भ्रमण करते रहते हैं, फिर संसार चक्कर में पड़ गए और फंस गए, उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। देखिए तो कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, ये लोग भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही है इन लोगों का स्वभाव। किनका स्वभाव? जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चय पर पहुंच गया, उनकी जो बुद्धि है कर्मयोग में चला गया, उनका जीवन सुखमय ही सुखमय है। सर्वोप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, उसका विपरीत क्या है? अव्यवसायी, माने जिसका जिनका मन और बुद्धि ये बुद्धि एक निश्चय पर कभी नहीं पहुंचता, तो उनके मन में अनेक प्रकार के विकार विचार आते रहते हैं, विचार नहीं विकार है,
तो अनेक प्रकार के भोग सामने हैं, क्यों निश्चय पर नहीं पहुंचा, तो हर भोग चाहिए, भोग की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहते हैं, और इनका जीवन का लक्ष्य ही माने इनका जिनका समझ है, समझ ही अलग है, उनके समझ में जन्म ही कर्मफल बन गया, स्वर्ग ही उत्कृष्ट स्थान है, स्वर्ग के प्रयास, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना ही उत्कृष्ट पुरुषार्थ है, इसके अलावा जीवन में कोई इसका कोई अर्थ नहीं है, मूल्य नहीं है, यही है जीवन का रहस्य, जीवन जीने का रहस्य, मूल्य, सिद्धांत सब यही है। तो उनका मन का विचार क्या है, भाव स्वभाव क्या है, कामात्मानः स्वर्ग पराः, तो और क्या होगा, अब देखिए, जिसके मन अव्यवसाय आत्मिक है, बस मन ये जान पर आप ध्यान दीजिए, ये सारे इफेक्ट्स है, माने बुद्धि में स्थिरता नहीं आई, स्थिरत्व जब नहीं हुआ, स्थिरत्व माने मेरा प्रश्न का उत्तर आप मुझे मत देना, अब अपने आप को दे देना, अपने आप से बात करते हुए कि आपका आप किस लिए जी रहे हैं, बस ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए हमको कि बाकी दुनिया हमारा अस्तित्व को चाहते हैं, ये गलत है, कोई आपको चाहने वाला नहीं है। जब तक रसोई घर में काम कर रही है तो फिर सब लोग चाहते हैं आपको, बीमार पड़ गया फिर प्रार्थना करते हैं आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं, टिकट के लिए, ऊपर टिकट जाने के टिकट, भगवान इसकी जल्दी मुक्ति दे दो, हमारे काम के लिए लायक नहीं है, और कोई आचार्य भी हो, जब तक मैं काम करता रहूंगा ठीक है, जब अचानक सब प्रवचन बंद हो गया, सिर्फ खाना खाने लगे, तो आप भी एक खत लिखेंगे स्वामी जी को कि अभी स्वामी जी बेकार पड़ गए, ये काम के लायक नहीं है, ये बड़ा बोझ बन गया, काइंडली ट्रांसफर हिम, ये सच है। तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं मेरा अस्तित्व, इसलिए हम पहले से ही वैराग्य है, आप हमको छोड़ने से पहले मैं खुद ही आप सबको छोड़ दिया, यह है लक्षण। दुनिया बोलने तक हम क्यों बैठे इंतजार में, वे बोलने से पहले तुम बोल दो कि हमें नहीं चाहिए, बिफोर द वर्ल्ड डिजोन्स यू, यू डिजोन द वर्ल्ड, दैट इज अवर प्रिंसिपल। छोड़ के जाओगे पकड़ा कब, हमको छोड़ के जाओगे पकड़ा कब, ये तो बताओ, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे भी सूटकेस रेडी है हमारे हमेशा, वो है अच्छा जीवन है। तो इसीलिए बस यही आप सिद्धांत पकड़ो कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप अपना जीवन जी रहे हैं, आखिर में आपको अपना ही जीवन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन लाइफ। दुनिया को गोली मारो, बट व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम योर लाइफ। एक निश्चय पर पहुंच गया, देन योर लाइफ इज वंडरफुल, नहीं तो भटकात्मा,
कोई बोलते हैं बेचारा मरकर भटकता हुआ आत्मा, आत्मा भटकता नहीं, आत्मा स्थिर हो गया, तुम भटक रहे हो अभी पृथ्वी पे, मरा हुआ आदमी को भटक रहा है, भटकता है, भटकता हुआ आत्मा करके कहते हैं, वो भटकता नहीं, हम भटक रहे इधर, सच कहो, वो तो चला गया शरीर छोड़कर आराम से बैठ गया, आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि ये तो निंदा है कि वो भटक रहा है आत्मा भटकता है। हाँ, अब देखा गया आत्मा को, आप से निंदाजनक बात मत करना, आप खुद भटक रहे जीवन में, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नहीं। बेचारा जो मर गया शरीर छोड़कर उसको निंदा करते कि वो भटक रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, बैठते रहे, बकवास ही बकवास बात है सब। अब क्या होगा, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृतश्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्य प्रसक्तानां अब ध्यान से सुनिए, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां माने तेषां च माने उनके लिए, तेषां उनमें माने जो लोग भटक रहे हैं जीवन में, माने भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो उनका मन में प्रेम हो गया, प्रसक्तानां संगी भाव, भगवान शंकराचार्य कहते हैं भोगः कर्तव्यम्, बाप रे, भोग क्या बन गया, कर्तव्य बन गया, जिसके लिए भोग ही कर्तव्य है, ऐश्वर्य ही कर्तव्य है। मैंने नीच निकृष्ट डेफिनेशन जीवन जीने का क्या है, जिसका कर्तव्य क्या है, भोग, इसका कर्तव्य क्या है, ऐश्वर्य की प्राप्ति। अब सभी लोग इधर ही है, बस एक दो के अलावा, तो भोगश्च भोगः कर्तव्यम ऐश्वर्यम च इति भोगैश्वर्यः एवः भोगैश्वर्यः एव प्रणयवताम, प्रणयवता माने प्रेम करने वाले, उनसे ही प्रेम हो गया, माने भोग से प्रेम, ऐश्वर्य के साथ प्रेम। इसलिए हम अखबार में देख रहे हैं, जीवन में देखते हैं कि पैसा के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक व्यक्ति हो जाता है तैयार हो जाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भोगश्च भोगः कर्तव्यम ऐश्वर्यम च इति भोगैश्वर्यः भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवताम, माने उसी के साथ जिनके साथ प्रेम हो गया, भोग और ऐश्वर्य के साथ जिनका प्रेम हो गया, तदात्मभूतानां माने तद्रुप हो रहे हैं माने तद्रुप हो गया, बस तदात्मभूतानां, हर कदम हर सोच हर विचार यही है, भोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य। क्या खाए, क्या सोचे, क्या मूवी देखे, कैसे सोए, किस तरह के तकिया रखने से नींद आ जाएगी, बेडशीट किस तरह कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, पंखा कैसी होनी चाहिए, एसी कौन सी कंपनी का होने चाहिए, कौन सा कंपनी का रखना चाहिए, एसी लग फिटिंग करवानी चाहिए, ये टाइल्स कैसी होनी चाहिए, चेयर कैसी होनी चाहिए, बाथरूम में जाओ तो शैम्पू कैसी होनी चाहिए, बाल सजाने के लिए जो है ना वो कंघी कैसी होनी चाहिए, उसका दो है ना उसका कंघी ब्लेड उसका कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये पागल है, हर भोग ही कर्तव्य हो गया हमारा, ऐश्वर्य भोग बस। हाँ,
हमेशा पैसे के बारे में ही चिंता, कहाँ ज़्यादा 3 महीने फिक्स डिपॉजिट से कितना मिलता है परसेंट पर प्रॉफिट पर इंटरेस्ट, 1 साल में डालने के कितना, कौन सा बैंक में क्या, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, सूबे से लेकर के आवश्यक से ही ज़्यादा, यही विचार। अरे भैया जनवरी का डीए अप्रैल में आ गया, फिर जुलाई में डीए का अनाउंसमेंट नहीं किया, फिर जुलाई का डीए, फिर आखिर में ऐसा प्रार्थना करने लग जाता है आदमी कि भगवान जनवरी का डीए लेने के बाद मुझे मरवा देना क्या फर्क पड़े माने वहां तक गिर जाता है आदमी, क्या फायदा सोचते डीए। भैया जितना भी संतुष्ट हो जाओ ना, बोलते लोग स्वामी जी प्याज की कीमत बढ़ गई, तो प्याज मत खाओ, मरेगा तो नहीं, मत खाओ तो मरेगा क्या। जो सस्ता है वो खाओ, कोई सस्ता नहीं है तो मरो, मैंने तो कह दिया जीवन का उद्देश्य क्या, उद्देश्य नहीं है फिर मर्जी के क्या करेंगे आप, नहीं उद्देश्य है तो फिर जो मिला उससे जियो, उद्देश्य ही प्रमाण है, मुख्य बन गया तो खाना पीना रहना गौण होना चाहिए, फिर क्या मुख्य है क्या गौण है, गौण माने सेकेंडरी, व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज सेकेंडरी, खाना प्राइमरी मुख्य। अरे भैया घी के बिना खा नहीं सकते, प्याज के बिना नहीं खा सकते, पनीर के बिना नहीं खा सकते, ये सब गौण है। भगवान रवणमहर्षि आश्रम में जब रहते समय एक दिन उनके जो छोटा भाई स्वामी निरंजनानंद जी, तो उन्होंने जाके पूछा भगवान, वो तो आप अध्यक्ष रहा तब आश्रम में, इतने लोग आना जाना होते हैं, फिर सबको खाना खिलाना है, कहाँ से भगवान तो लंगोटी बैठ कर कौपीन वस्त्र बनता है कल भाग्यवंत है, उनके अलावा तो है ही नहीं, उनके निस्संग सर्वसंग परित्यागी, ये संसार चाहता ही नहीं, लोग चपक गए तो हम क्या करें। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसके आजू बाजू संसार फैल गए सर्वसंग परित्यागी, तो भगवान बैठ गए एक दिन, तो फिर बोले कि निरंजनानंद जी आके, स्वामी जी भगवान चावल नहीं है, खाने के लिए क्या खिलाएं सब लोगों को। बोले भैया बस कितने चावल है, 5-6, 4-5 किलो है, और चाहिए हमको कम से कम 25-20 किलो, और इतने लोग हैं आगे, बस इसी को पानी डाल के पिला दो, एक एक गिलास में नमक डाल के पिला देना बस। कन्नी कन्नी बोलते, कन्नी माने राइस सूप, अब इंग्लिश बढ़िया अच्छा है सुनने के लिए मजा आएगा, राइस सूप माने 1 किलो चावल, 10 लीटर 20 लीटर पानी उबाल देना, नमक डालो और पिला दो, सब हो गया, सबका पेट भर गया, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा गौण है, चाहिए तो चाहिए कुछ भी खा लो। देखिए जीवन में मुख्य क्या है गौण क्या है, हर कदम हर समय इसका विचार आप करते रहना, मैं भी करता रहूंगा, तो आपका क्या काम है, मैं भी यही कर रहा हूं, मुख्य क्या है गौण क्या है, मुख्य क्या है गौण क्या है, मुख्य क्या है गौण क्या है। देखिए विचार आप लाकर आप जियो, तो फिर आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये भोगेश्वर्य यो हो ये प्रणय बताम तदात्म भूताना, माने वही तद्रूप हो गया है जीवन में, माने भोग और ऐश्वर्य के ही हमारा रूप बन गया, और कोई रूप नहीं रहा हमारा, यही रूप हो गया भोग रूप ऐश्वर्य रूप, माने उसके अनुसार हम जी रहे हैं। अरे राम राम, तया इसके वजह से, माने इस तरह के जीवन जीने से, माने तया माने क्रिया विशेष बहुलया वाचा, इस तरह के बातें करने से, इस तरह का जीवन जीने से, इस तरह के जीवन व्यवहार शैली जो है जीवन की शैली इस तरह का होने से, देखिए माने
हर कदम ऐश्वर्य के बात कहो और भोग की बात करते रहो और वही सुनाते रहो, उसी के लिए जियो, उसी के लिए मरो, उसी जन्म के लिए जन्म लो और स्वर्ग के लिए ही प्रयास करो, इस तरह के जीवन जीने वाले जो भी है। तया माने इस तरह के कर्म से, क्रिया विशेष बहुलया वाचा, इस तरह के बातों में पढ़कर अपने आप को, उनका क्या होता है, चेत अपहृत चेतसाम, अपहृत माने दे लॉस्ट देमसेल्स इन द थॉट, माने दे देमसेल्स वर लूटेड, देर अंतकरण देर विजडम इज लूटेड बाय देर ओन थिंकिंग। तया अपहृत चेतसाम, देखिए उसका चित्त जो है, चेतसा माने चित्त, अपहृत हर गया, माने हराया, चित्त को हराया, हराया माने हर लिया, चित्त को हर लिया, हराया ने हर लिया, लूटेड लूट लिया, इस तरह के बातों, इस तरह के व्यवहार, इस तरह के सोच से देखिए वाचा अपहृत चेतसाम माने आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम, विवेक प्रज्ञा जो है उसको ढक गया, वो तो ढक गया, इस तरह के बातें करने से उनका जो चित्त जो है, चित्त में जो ज्ञान है, तो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा भ्रष्ट हो गया। मैं किस लिए, कैसे भ्रष्ट हुआ, आच्छादित हो गया, आच्छादित माने कवर किया गया, ढक गया, गया आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम व्यवसायात्मिका सांख्य योगे वा बुद्धि समाधौ। देखिए ऐसे व्यवसायात्मिका बुद्धि माने सांख्य में या नहीं तो योग में, इस तरह के बुद्धि न तो सांख्य में बैठेगी न योग में बैठेगी। सांख्य माने क्या है, मैं गुणातीत पुरुष आत्मा शुद्ध सत्व निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य रूप पूर्णोहम पुरुषोहम, इस तरह का अनुभव, वो तो सांख्य हो गया। और सभी कर्म ईश्वर आराधनया माने सभी कर्म हम करते रहेंगे, हम हर कर्म का फल जो है ईश्वर अर्पण समर्पण, ईश्वर समर्पण बुद्धिया, उसी बुद्धि के द्वारा मैं उस बुद्धि को अपनाकर मैं जीऊंगा, सब कर्म उन्हीं के लिए करूंगा, उन्हीं के आदेशानुसार ही मेरा जीवन चलता रहेगा, बस मैं भगवान के लिए ही जी रहा हूँ, निष्काम कर्म ही मेरा अभ्यास है, निष्काम कर्म करना ही मेरा साधन है, सब ईश्वरार्पण बुद्धि, सब ईश्वरार्पण बुद्धिया, उसी बुद्धि के द्वारा मैं कर्म करता रहूँगा जीवन में, मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का ही है, इस तरह की बुद्धि जो है योग बुद्धि। तो मगर इस तरह की जो बुद्धि है, अव्यवसायात्मिका अविवेकी लोगों की जो बुद्धि है, कामात्मानः स्वर्गपराः, इस तरह के सब जो बुद्धि है, जिन लोगों की बुद्धि ऐसी है, वे लोग मतलब उनकी बुद्धि न योग में बैठेगी न सांख्य में स्थित होगी। देखिए आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, ऐसे व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होगा, माने सांख्य योगे वा बुद्धि ही समाधौ समाधीयते, माने अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम इति समाधि अंतकरणम बुद्धि तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः। समाधि का अर्थ यहाँ पे बताया अंतकरणम, समाधौ न विधीयते, इसका हम अर्थ कल विवेचन करेंगे, इसका टाइम लगेगा, माने समाधि का मतलब क्या है हम कल देखेंगे। भगवान कहते हैं इस तरह का जो बुद्धि है, इस तरह की जो बुद्धि है माने कामात्मानः स्वर्गपराः, इस तरह की जो जिन लोगों की बुद्धि न वो कर्म में वो योग में नहीं बैठेगी न सांख्य में नहीं बैठेगी। समाधि में नहीं रहेगी, समाधि का मतलब क्या है अंतकरणम, समाधि का मतलब अंतकरण है, हाँ जी। फिर हमारा अभिप्राय या हमने जैसे सुना समाधि का मतलब अलग है, हम कल देखेंगे समाधि का मतलब क्या है। समाधि ही अंतकरणम माने बुद्धि ही, तस्मिन् समाधौ माने बुद्धौ
न विधीयते न भवति इत्यर्थः। तो क्या है हम कल देखेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की।